हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। शाम के बज रहे हैं 4 और मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरी क्लास चल रही है अभी। तो देखिए, चाय भी रखी हुई है, तो मैंने सोचा चाय पीते पीते क्यों ना आपसे बात कर ली जाए। पूरा दिन इधर ही बैठे बैठे निकल जाता है, सुबह 10 बजे से लेकर के इस टाइम तक। तो मैंने सोचा थोड़ी देर आपसे बात कर लेते हैं, थोड़ी देर का ब्रेक मिला है तो इतनी देर में चाय भी हो जाएगी शाम की। तो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, वीडियो के एंड तक। तो देखिए, पढ़ाई हो गई है मेरी ख़त्म, 5:30 बज गया है। और मेरी बिटिया रानी ने देखिए इधर मेरे लिए काम बढ़ा के रखा हुआ है। पूरे दिन ये अपने खिलौने वाले रूम में बैठी रहती हैं और इन्हीं खिलौनों को पूरे दिन जमाती हैं। और देखिए, पूरा दिन ऐसी तरीके से फैला के रखते हैं। अब इस काम को करना होगा। और देखिए, मैं आ गई हूँ और अब देख लिया है कि मैं दिखा रही हूँ उसको, तो बोल रही है क्यों दिखा रही हो, मेरा घर देखिए कैसे दिखा रही हो। उसका घर है ये, बोलती है मम्मा आपके जैसी किचन मैं कब बनाऊंगी। तो पूरा दिन सेट करती है मेरी जैसी किचन। और देखिए, खिलौने मिलौने कितने पड़े हुए हैं और ये इसी तरीके से बिखरे रहते हैं। इनको एक अलग रूम दे दिया है, फिर भी पूरा दिन कहीं इधर कहीं उधर, आधे इस रूम में आधे उस रूम में ऐसी तरीके से पड़े रहते हैं। और अपना इंट्रोडक्शन दे रही हैं ये, लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी तो मैंने कट कर दिया है। और देखिए किस तरीके से बेलन चकोटी सब कुछ उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है, देखिए, और पूरे घर में फैला हुआ है। मैंने बोला कि मैं दिखा रही हूँ तो मना कर रही है। और हम लोग तो चाहे कितना भी काम कर ले, लेकिन बच्चे फैलाने से बंद नहीं होते हैं। और शाम हो गई है, इनके दूध का टाइम भी हो रहा है, तो मैं दूध दे रही हूँ इनको दूध। तो ये देखिए, बेटा जी बैठ गए हैं और वो आ नहीं रही है, क्योंकि वो दूध पीने के नाम में बहुत नाटक करती है सुबह शाम दोनों टाइम में। तो ये देखिए, दोनों बैठ कर के दूध पी रहे हैं और मैं खिलौने भर के आती हूँ और अदर काम देखती हूँ। दोनों दूध पी लेंगे तब तक। तो देखिए, हेलो फ्रेंड्स, संडे की सुबह हो गई है। कल मैं अपना वीडियो एंड नहीं कर पाई थी, तो आज देखिए संडे है और सुबह के 8 बज रहे हैं। और चाय भी देखिए मेरा बन गया है। और संडे के दिन बहुत काम होते हैं, क्योंकि सैटरडे वगैरह 4-5-6 दिन जो भी क्लासेस वगैरह चलती हैं, तो हम लोग इतना काम कर नहीं पाते हैं। तो संडे के दिन जल्दी जल्दी काम करके क्लासेस लेना रहता है। तो आज संडे है तो आज बहुत काम है घर में, क्योंकि संडे के दिन पूरा रुका हुआ काम खुल जाता है और सभी लोग उठ गए हैं आराम से। और आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊँगी, क्योंकि सब लोगों ने चाय तोस्त दूध तोस्त खा लिया है। तो लंच में क्या बनाऊंगी आज, मैं अपना रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी कि संडे के दिन हम लोग क्या क्या करते हैं और कैसे निकलता है हमारा संडे। तो मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। और कैसे हैं आप सब, आपका संडे कैसे जाता है प्लीज़ बताइएगा। और पोछा लग रहा है, और पोछा लगाते लगाते तो कमर टेढ़ी हो जाती है। और पोछे का काम तो डेली का ही है, क्योंकि मेरे बच्चे अधिकतर टाइम घर में नीचे बैठ के ही खेलते हैं, कहीं और जाना आना उनका नहीं रहता है। पूरे टाइम कहीं भी बैठना कहीं भी लेटना कुछ भी करते रहते हैं। बच्चे हैं छोटे, तो उनको हमेशा हम लोग ऊपर नहीं रख सकते, इसलिए मैं पूरा साफ़ सुथरा रखती हूँ सब कुछ। तो ये मेरा पोछा हो गया है ख़त्म, और जीने साइड में मैं थोड़ा सा और लगा देती हूँ, क्योंकि सारा कुछ साफ़ सुथरा रहता है ना, तो फिर बच्चे कहीं भी खेलते रहें कुछ भी रहे। और साफ़ सफ़ाई तो इस टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना चल रहा है, और कोरोना से अगर बचे रहना है तो फिर साफ़ सफ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। तो ये तो डेली का ही रूटीन है, कि डेली ये काम तो डेली के ही हैं। और इसी तरीके से मैं अपना पोछा लगा रही हूँ और इसके बाद नहाने जाऊँगी। तो ये देखिए, पोछा हमारा ख़त्म हो गया है, लास्ट ही बचा है, बाहर आने के तरफ ही लगा रही हूँ मैं। देखिए, लास्ट वाले गेट के साइड में लगा रही हूँ। और सारे घर में हो गया है पोछा, और अब हम जाते। तो देखिए, मैं नहा करके आ गई हूँ और अब बनाते हैं लंच।
कि लंच में अब क्या बनेगा। डेली का यही टेंशन रहता है कि क्या बनाए लंच में। तो नहा के आने के बाद में मैं सबसे पीऊँगी, पहले पीऊँगी पानी। तो पानी भर लेती हूँ मैं, एक मिनट। अब बनेगा लंच। अब लंच में क्या बनाएंगे, आज मैं बनाऊंगी आलू गोभी और क्या है गाजर मिक्स वेज ही बनाऊंगी, क्योंकि डेली डेली बहुत प्रॉब्लम है सब्जी की कि क्या बनाएं। सुबह से बहुत काम था, हो गया ख़त्म। अब बनाते हैं लंच। तो लंच में क्या बनेगा चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए सब्जी मैंने कट कर ली है, अच्छे से धो लिया है इनको, और गाजर लिया है मैंने, आलू लिया है और गोभी ली है, फुल गोभी ली है। और ये वाली गोभी वो वाइट वाली जो आती है वो नहीं है, ये येलो वाली जो गोभी आती है हल्की येलो कलर में, ये बहुत अच्छी लगती है खाने में, टेस्टी। देखिए, और इसको मैंने प्याज और हरी मिर्च का तड़का लगाया है इसमें सिर्फ, और ऑयल में इसको डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से पकने तक फ्राई करेंगे इसी तरीके से मंदी आँच में चलाते हुए। और जब हमारे घर में पर्टिकुलर सब्जी एक नाम की खा खा के बोर हो जाते हैं, उस दिन हम लोग ये मिक्स वेज बनाते हैं। तो हमेशा बच्चे एक सब्जी खाते हैं, जैसे कि गोभी खाई तो आज गोभी खाया है, आज तोरी की सब्जी बनाई है तो आज दाल बनाया है। तो जब मैं मिक्स वेज तभी उसी दिन बनाती हूँ जब सब लोग खा खा के परेशान हो जाते हैं एक पर्टिकुलर सब्जी को, ताकि उसका नाम ना रहे कि आज गोभी बनाया है कि आज गाजर बनाया है। तो इसीलिए, और इसको पसंद भी करते हैं मेरे इधर। तो आप इसको लास्ट टाइम में भी बना सकती हैं जब आपके पास सब्जियां कम कम थोड़ी थोड़ी बचे, तो सबको मिक्स करके एक दिन मिक्स वेज बना दें। तो देखिए अब मैं इसमें मसाले डालूंगी क्योंकि हल्की फ्राई होने लगी है, और मसाला देखिए मैंने इसमें डाल दिया है। और 10-15 मिनट चलाने के बाद में ही ये इस तरीके की हुई है। इसमें मैंने गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, मिर्च, जो भी मसाले एक्स्ट्रा आपके पास हैं, और मैगी मसाला भी मैंने इसमें डाला है। तो इस तरीके से मेरी सब्जी बन करके हो गई है रेडी, और अब बची है रोटी। तो इस तरफ मैं रोटियां बना ही रही थी, फिर इसमें मसाला डालने लगी। तो देखिए रोटियां भी मेरी लगभग बन गई हैं, और इसके बाद अब हम थाली लगा के लंच ही करेंगे और क्या। और रोटी मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है, देखिए बना ली मैंने रोटी, और ये देखिए मैं थाली लगा ली है, और अब खाते हैं गर्मा गर्म खाना। तो दोपहर का खाना जो है इसी तरीके से नॉर्मली मैं बनाती हूँ, और इसके साथ अचार और सलाद ले लेंगे और बस खा लेंगे। जिसको दही चाहिए होगा वो दही ले लेगा, क्योंकि इस टाइम में हम लोग ज़्यादा दही का यूज़ नहीं करते हैं, और दोपहर में भी ज़्यादातर हम लोग चावल नहीं खाते हैं। रोटी सब्जी हमारी इधर बनती है, क्योंकि चावल हम लोग कभी कभी बनाते हैं, क्योंकि हमारे इधर रोटी सब्जी खाई जाती है। तो ये देखिए सब्जी मेरी कितनी अच्छी दिख रही है, और भूख भी बहुत तेज़ लगी है। तो चलिए लंच कर लेते हैं अब, और बच्चे भी इस टाइम भूखे हो जाते हैं, 12-1 के टाइम में उनको भूख लगने लगती है। तो लंच कर लेते हैं अभी। तो लंच हो गया है हमारा ख़त्म, और लंच कर लिया है हम लोगों ने, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और मेरे अच्छे अच्छे वीडियो इस तरीके से देखते रहें। तो बाय।